हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मेष राशि और सिंह राशि के पुष्कर नवांश के बाद आज हम बात करेंगे धनु राशि के पुष्कर नवांश पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में अग्नि तत्व को समझा था, पुष्कर नवांश को समझा था, तो अग्नि तत्व की तीसरी जो आखिरी राशि है वो है धनु, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। मेष राशि और सिंह राशि की ही तरह धनु राशि में भी 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट पर पुष्कर नवांश होता है, जो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र का तीसरा चरण होता है। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण शुक्र के गुण इस नक्षत्र में देखे जा सकते हैं। ये नक्षत्र भी उग्र नक्षत्र होता है तीनों पूर्वा नक्षत्रों के साथ, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा आषाढ़। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र 20वें नंबर पर आता है। इस नक्षत्र का अर्थ होता है विक्ट्री, यानी विजय। तो ऐसे व्यक्ति जिनका पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र होता है, ये लोग सभी के साथ प्रेम करने वाले होते हैं। जीवन जीने की कला इनमें भरपूर होती है। ये नक्षत्र पूरी तरह से, यानी कि चारों चरण धनु राशि में ही होते हैं, जिसका स्वामी जुपिटर है। तो इनमें शुक्र के साथ जुपिटर का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जुपिटर हम लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व का ग्रह है, जबकि शुक्र जल तत्व का ग्रह है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होता है, इनके व्यवहार में सौम्यता देखी जा सकती है, प्रेम देखा जा सकता है, व्यवहार देखा जा सकता है। लेकिन गुरु के प्रभाव भी होने के कारण इनमें कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने का एक साहस भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं, पराक्रमी होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी भी होते हैं। इस नक्षत्र की योनि वानर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वानर बंदर को बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति चंचल माइंड के होते हैं, फिकल माइंड के होते हैं। तो ये व्यक्ति फाइटर होते हैं सेम उसी तरीके से। ऐसे व्यक्ति में काम करने की एक अलग ही एनर्जी होती है। खाने पीने के ये लोग शौकीन होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, व्यवहारिक कुशलता के लिए ये लोग जाने जाते हैं। इसके देवता जल हैं, और जल के बारे में मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तो कौन से ग्रह धनु राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट पर पुष्कर नवांश में हो तो शुभ फल प्रदान कर सकते हैं? देखिए, पूर्वा आषाढ़ शुक्र का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो भी जल हैं। शुक्र खुद वाटरी प्लैनेट है, तो जो भी ग्रह है जल से संबंधित होंगे वो यहाँ पर शुभ फलदायी होंगे, जैसे शुक्र और चंद्रमा। धनु राशि है जो जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर भी यहाँ पर शुभ फलदायी होगा। वानर की योनि है, तो शनि और मंगल जैसे ग्रह भी यहाँ पर शुभ फलदायी होंगे। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में इसे चेक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के पुष्कर नवांश के सेकंड पार्ट की, जो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है, जिसमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र का फर्स्ट पद देखा जाता है। उत्तराषाढ़ हम सभी जानते हैं, इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। इसके प्रथम चरण के स्वामी जुपिटर हैं। धनु राशि होने के कारण हम लोग जानते हैं जुपिटर और सन आपस में मित्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ होता है, वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, यानी इन लोगों को सफल व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहते और खुद की समझते डिसीजन लेते हैं, और ऐसा डिसीजन लेते हैं कि सभी जगह पर इनकी प्रशंसा होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्थिर नक्षत्र होता है, जैसे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। इस नक्षत्र में स्थिरता देखी जा सकती है, स्थायी रूप से होने वाले काम देखे जा सकते हैं। इस नक्षत्र वाले लोगों में कृतज्ञता की भावना देखी जा सकती है। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्राओं के शौकीन होते हैं। धनु राशि हम सभी लोग जानते हैं नैसर्गिक नवम भाव की राशि है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। जुपिटर की राशि होने के कारण बहुत ही शुभ राशि मानी जाती है।
इसके देवता 10 विश्वदेव हैं जिसमें 10 देवताओं के नाम आते हैं, जिनमें दक्ष, व्रतु, वसु, काम, सत्य, काल, रोचक, आद्रव, पुरुरवा और कुरज। विश्वदेव का अर्थ ही यही होता है कि सभी देवताओं का एक ग्रुप, एक समूह। तो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की ही तरह पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में समानता होती है। नकुल योनि होती है इस नक्षत्र की। इस योनि की विशेषता होती है कि ऐसे व्यक्ति हर काम में पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं, परोपकार इनका गुण होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ग्रह शुभ फलदायी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धनु राशि धर्म की राशि है, परोपकारिता का भाव इस राशि में होता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुभ फलदायी होंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य और गुरु का मैच यहाँ पर धर्म की अधिकता के लिए देखा जा सकता है, उसकी प्रधानता के लिए देखा जा सकता है। तो सूर्य भी यहाँ पर शुभ फलदायी होगा। इस तरह से आप अग्नि तत्व की राशियों में यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के पुष्कर नवांश को स्टडी कर सकते हैं। अग्नि तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी के साथ काम करना, और इन राशि वाले व्यक्ति विशेष जिनकी कुंडलियों में कोई भी ग्रह इन राशियों में अगर पुष्कर नवांश में होगा तो उनमें कार्य करने की एक अलग ही क्षमता होती है। हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत आसानी से हार नहीं मानते और हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी नहीं आते। इनमें मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि बॉडी में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। ये वो एनर्जी है जो शरीर में के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि क्रिएशन के रूप में ऊर्जावान बनाती है और धनु राशि धार्मिक कार्यों को करने की ऊर्जा देती है। पुष्कर नवांश किस तरह से काम करता है इसे हम एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। ये मिथुन लग्न का एक मेल चार्ट है और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में है, अपनी ही राशि में 27 डिग्री 43 मिनट पर। जैसा कि अब तक हमने बात की थी कि धनु राशि के सेकंड पार्ट में यदि कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो वो पुष्कर नवांश में जाएगा। यहाँ पर धनु राशि में जुपिटर है तो ये वर्गोत्तम भी हो जाएगा। यहाँ भाव को अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति स्वराशि होकर वर्गोत्तम होकर पुष्कर नवांश में है। बहुत से योग यहाँ पर जुपिटर बना रहा है लेकिन सप्तम भाव में सूर्य के साथ है। तो गुरु की अंतर्दशा में इस जातक का विवाह संपन्न हुआ यानी 36-37 साल की उम्र में, जो हर बार किसी न किसी कारण से हो ही नहीं रहा था। हम लोग जानते हैं कि सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु के पुष्कर नवांश में होने से, स्वराशि होने से, वर्गोत्तम होने से गुरु ने अपनी ही अंतरदशा में इस जातक का विवाह संपन्न कराया। वैसे तो पुष्कर नवांश में भाव भावेश इम्पॉर्टेंट नहीं है, राशियाँ और उनकी डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप भाव को भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी तरह आप भी अपनी अपनी कुंडलियों में चेक करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।